Hello students, today we are starting a new chapter Challenges for the Nation Building. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हमारे देश को क्या क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो हमारे देश के सामने थे, क्योंकि तब हमें नया नया इंडिपेंडेंस मिली थी और हमें सारी तरह से जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको सेटअप करना, सब लोगों को उनके वेलबींग को देखना, उनके लिए उनको रीसेटल करना, देर वर सो मैनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द नेशन. अब हम वही चैलेंजेस देखना चाह रहे हैं कि मेजर तीन कौन से चैलेंज थे जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद फेस करने पड़े. तो यहाँ पे थे हमारे, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो था नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था, उसमें क्या करना था, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना था जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत सालों से चली आ रही है. अब पॉवर्टी यहाँ का बहुत बड़ा चैलेंज था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उनको किसी भी तरह से दूर करना था. अब हमारा सेकेंड चैलेंज था एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. अब हमने नई नई इंडिपेंडेंस हमें मिली थी और हमने अपना नया जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था, वो था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके लिए क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन थे उनके पास इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, अभी नया नया उन्होंने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया था, तो डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करना था. द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डिवेलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस. अब बहुत बड़ा चैलेंज तीसरा ये भी था कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें सब लोगों के वेलबींग को देखना, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अब तक इग्नोर किया गया था, तो सारे सेक्शन जो भी सोसाइटी के उनके सबके वेलबींग को देखना हमारे नेशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिएशन. अब यहाँ पे 15 अगस्त 1907 को हमारा जो इंडिया था वो फ्री नेशन बन गया एंड 14 अगस्त को पाकिस्तान फ्री नेशन बन गया. अब उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स थी कि जो पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे थे वो अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर इंडिया आ रहे थे, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे वो अपना सब कुछ इंडिया में छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, तो इस तरह उनका डिस्प्लेसमेंट वहाँ से हो रहा था, उन्हें अपने सारे घर छोड़ने पड़ रहे थे, नौकरी छोड़ने पड़े थे, बिजनेस छोड़ने पड़े थे, अपना प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ा था और दूसरी जगह पर उनको सेटल होना पड़ रहा था. तो यहाँ हम देखेंगे कि इन ऑन 14 अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस. लैक्स ऑफ पीपल्स फ्रॉम बोथ साइड लॉस्ट देयर होम्स लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड बिकम विक्टिम ऑफ कम्युनल वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट. West and East Pakistan was created, which were separated by a long expanse of Indian territory. Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, was the undisputed leader of the Northwest Frontier provinces. Despite his opposition, NWFP was merged with Pakistan. तो ये बहुत सारे जो चैलेंजेस थे इंडिया और पाकिस्तान के सामने कि किस तरह उनको अपनी कंट्री को टुकड़े होने से बचाना है, किस तरह उनको जो लोग डिस्प्लेसमेंट के बाद उनकी कंट्री में आए हैं उनका रिहैबिलिएशन करना, उनको उनके लिए उनको सेटल करना, उनके डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, दीज वर दी challenges in front the India. So this was all about for today.